बिहार विधानसभा का एक ओर सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी ओर मंत्री मुकेश सहनी को लेकर राजनीतिक बाजार गर्म है। आखिर क्या है पूरा मामला जिस पर पूरी राजनीति गर्म है? यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मंत्री मुकेश सहनी को फटकार लगाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने एक सरकारी कार्यक्रम में अपनी व्यस्तता के कारण अपने छोटे भाई संतोष सहनी को भेज दिया। इस दरमियान मुकेश सहनी के छोटे भाई संतोष सहनी को वह सभी सरकारी सुविधाएं मुहैया हुई जो एक मंत्री को होती है। मुकेश सहनी के बदले उनके भाई ने ही मत्स्य विभाग के द्वारा अनुदानित राशि से लाभुकों को वाहन वितरण भी किया। मीडिया में खबरें आने के बाद विपक्ष ने मुकेश सहनी की बर्खास्तगी की मांग कर दी। विपक्षी सदस्यों ने सरकार और सरकारी कार्यक्रमों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। विपक्षियों का विरोध इस तरह से हो गया कि सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे मालूम नहीं था, लेकिन यह आश्चर्यजनक है, मैं तो पूरी बात करूंगा। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के बाहर अलग से सहनी को तलब किया और सीएम चेंबर में ले जाकर मंत्री मुकेश सहनी को समझाया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि जनता के बीच घूम रहे हैं, पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंचा, इसलिए मैंने पदाधिकारियों को कहा कि वह वितरण कार्य कर ले। इसी क्रम में मेरा भाई भी वहां पहुंचा, तो इसे मीडिया ने प्रमोट कर दिया। अंत में उन्होंने कहा कि आने वाले समय पर ध्यान रखूंगा। बहरहाल पूरे बिहार में अभी इस खबर की चर्चा जंगल की आग की तरह फैली हुई है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज 9X को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी हर अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।